नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि जैसे हमने अपने कंटेंट को इजी करने के लिए हम लोग जो एडिटर एडिटर जो अपने वेबसाइट में लगाया था वो था सी के एडिटर, ठीक है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये इस तरीके से आता है सी के एडिटर, ठीक है। तो सी के एडिटर जो इस तरीके से आता है दोस्तों, इसमें हमें अगर इस बॉडी में हमें इमेज अपलोड करनी है, जो कि यहाँ ऑप्शन दिया भी है इमेजेस का, लेकिन यहाँ पर कोई लोकल से कोई अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। यूआरएल के थ्रू आप इमेजेस लगा सकते हैं, ठीक है। तो लोकल से कैसे हमें इमेज यहाँ पर अपलोड करनी है, तो उसको कैसे इसमें इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास दोस्तों उसके लिए एक मॉड्यूल है वन क्लिक अपलोड, जो कि ये है वन क्लिक अपलोड। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने सी के एडिटर में, जो कि यहाँ ऑप्शन दे रखा है आपने सी के एडिटर मॉड्यूल में, आपको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो वो ये दे रखा है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इसको डाउनलोड करके इसको सबसे पहले लोकल में अपने मशीन में डाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर वन क्लिक यूज़ करना है, इसको आपको इनेबल करना है, ठीक है। जैसे आप इसको इनेबल करोगे तो आपको बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं कि आपको सबसे पहले इस पेज पर जाना है, ठीक है। इनेबल हो जाने दीजिए इसको, ठीक है, इनेबल हो गया। आप यहाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या फाइल्स यहाँ अलाउड है, ठीक है। ड्रैग ड्रैग ड्रॉप का ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पर, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमें इस यूआरएल पर जाना, ठीक है। सी के एडिटर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये और ऑप्शन आपका, ठीक है। तो कुछ गलत लिंक ले लिया हमने शायद, ठीक है। ये हमारे पास सी के एडिटर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सी के एडिटर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपका सी के एडिटर आ गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें जिस प्रोफाइल के लिए भी हमें लगाना है वो हम एडिट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे एडिटर अपीयरेंस में, जो कि पहले से मैंने सेट कर रखा होगा आपके में, ये इस तरीके से कुछ आ रहा होगा। ये जो इमेज का जो अपलोड का जो ऑप्शन है, वन क्लिक अपलोड का जो ऑप्शन है, वह यहाँ अवेलेबल होगा अवेलेबल बटन्स में, जो कि आप यहाँ पर सी के एडिटर को अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं किस तरीके से हमारा एडिटर चाहिए आपको। ये सारे आपके बटन जो दिख रहे हैं वो इस जो आपको अगर यूज़ नहीं करने हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ से। तो ये करंट टूल बार जो आपको दिखा रहा है वो जो यूज़ में है, ठीक है। तो हमें ये बटन अपलोड की चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है, यहाँ पर इसको डाल दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, कुछ यहाँ पर सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए कि हम यहाँ यूज़ करेंगे वन क्लिक प्लगइन, जो हमारा वन क्लिक अपलोड यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एडवांस कंटेंट फ़िल्टर में आएंगे और इसको डिसेबल कर देंगे, एडवांस कंटेंट फ़िल्टर को हमें डिसेबल कर देना है, ठीक है। और इसके बाद सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया हमारे पर फाइल अपलोड का, तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कीजिए, अपलोड कीजिए इस तरीके से, ठीक है। आपने जिस भी प्रोफाइल में जो हमने जैसे कि हमने फुल एचटीएमएल में चेंज किया, तो आपको यहाँ पर फुल एचटीएमएल करके चेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारा फ़िल्टर जो था उसमें भी हमने आप लगा रखा है, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी आएगा और फुल एचटीएमएल में भी आएगा, ठीक है। तो इसको आप अपने सी के एडिटर में कैसे वन क्लिक ऑप्शन के मॉड्यूल के थ्रू आपको कैसे अपने बॉडी में इमेज अपलोड करा सकते हैं वो देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके का एग्जांपल और लेंगे कि एक दूसरे तरीके से हम लोग इसका यूज़ करेंगे, दूसरे तरीके से हम लोग इमेज कैसे अपलोड कराएंगे वो देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपके नए नए वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।